माय गॉड दी, ये न्यूज देखी तुमने? इट्स वायरल ऑल ओवर सोशल मीडिया। प्लीज टेल मी प्रीशा को फांसी हो गई एंड पुअर प्रीशा इज डेड। नो, उसका टोटल ऑपोजिट। यस, शी इज फ्री, इनोसेंट प्रूव हो गई है। हाँ, एंड इट सीम्स दैट सुलोचना आंटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देविका ठाकुर्स मर्डर केस, नॉट प्रीशा। टेक अ लुक। प्रीशा ठाकुर हो गई है बाइज्जत बरी और असली कातिल को सुनाई गई है सजा, जो कि और कोई नहीं रुद्राज खुराना, जिनकी शादी होने वाली थी देविका ठाकुर के साथ, उन्हीं की माँ सुलोचना खुराना है। आखिरकार सुलोचना ने देविका का मर्डर क्यों किया, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ फास्ट न्यूज पर। नो 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 मीश, नो, दिस कांट बी हैपनिंग। माय एक्स माइंड लो, मुझे लगा था रुद्र के साथ रह रहे के थोड़ी सुधर गई होगी। दैट ब्लडी ओल्ड हैग, she didn't have any brains, I'm telling you. उसको कोसना छोड़ो और अब अपने बारे में सोचो। रुद्र और प्रीशा दोनों आजाद हैं, they are free. अब वो लोग किसके पीछे आएंगे? हम दोनों के पीछे आएंगे। और God, no! अब दी उस लॉयर को फोन करो और पता करो उसने हमारा काम अब तक किया या नहीं। Find out. Name the devil. उसी का कॉल है। आई होप कोई बैड न्यूज ना दे रहा हो। यस एडवोकेट देसाई, बोलिए क्या बैड न्यूज है हमारे लिए? अरे मैम, गुड न्यूज है, गुड न्यूज, आपका काम हो गया है। व्हाट? जी, लेकिन आज फ्राइडे है और कोर्ट बंद हो चुके हैं और अब कोर्ट सीधा मंडे को ही खुलेंगे, तो मंडे को ही मैं आपको सब कुछ दे दूं। Oh my God, God bless you, Advocate Desai. God bless you. Thank you so much. Fine, आप ये काम मंडे तक करवाइए और आपकी जितनी भी ये पेंडिंग पेमेंट है वो मैं प्रोसेस करवाती हूँ। जी, थैंक यू। काम हो गया? हो गया, मतलब एवरीथिंग, जो जो हम लोग चाहते थे वो सब कुछ कर दिया उसने। जैसा हम चाहते थे वैसा ही किया। God, I'm relieved. अब इससे पहले कि प्रीशा और रुद्र हमारे पीछे आए, we would have flown far, far away from here. I just hope so. I'm sorry, Anvi बेटा, मैंने आपको उठा दिया, परेशान किया, पर मुझे रुद्र और प्रीशा को अलग करना ही था। प्रीशा कहाँ है? ये यही होगा अगर तू कुछ करेगा नहीं तो, ऐसे ही देखता रहेगा। कुछ कर अरमान, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस रुद्र की वजह से तू अपनी बहन को पहले ही खो चुका है, प्रीशा को भी खो देगा, तो सोच। देख रहा हूँ प्रीशा, तुम कैसे रुद्र की तरफ झुकती जा रही हो, और आज नहीं तो कल चली जाओगी उसके पास। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसे ही अनवी को यूज करूंगा। जब तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता, तब तक अनवी को ऐसे ही दीवार बनाऊंगा तुम्हारे और रुद्र के बीच में। तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा मैं, नेवर एवर। कहाँ है वो? कौन? इस घर में तेरे और मेरे अलावा तीसरा कौन है? प्रीशा, प्रीशा कहाँ? अपने कमरे में अनवी को पढ़ा रही है। क्या डिसाइड किया तुमने?
किस बारे में? प्रिशा के बारे में अरमान। कल तो उस रुद्र से पीछा छुड़ा लिया तूने और बचा लिया प्रिशा को, पर ऐसे तू उसे कब तक रोकेगा? वो रुद्र इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। अब कहना क्या चाहते? यही कि तुझे प्रिशा चाहिए या नहीं, और कैसे मिलेगी तुझे वो, क्योंकि प्रिशा के दिल में तो अब तक रुद्र है, तू नहीं। तुझे उस रुद्र की जगह लेनी होगी। और ये कैसे करूँ? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। प्रिशा के दिल को जीतना होगा तुझे। उसके दिल में इतनी अच्छी और प्यारी यादें भर दे कि रुद्र की सारी पुरानी यादें मिट जाए। पर वो यहाँ रह के पॉसिबल नहीं। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वो भी अकेले, आई मीन क्वालिटी टाइम। एक काम करो, तुम दोनों कहीं घूमने चले जाओ। चाचा जी प्लीज, आपको पता है प्रिशा मेरे साथ कभी नहीं जाएगी, और अनवी के बिना तो इम्पॉसिबल है। तो भूल जा प्रिशा को, जाने दो उस रुद्र के पास, ठीक है? और मान ले हार। इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहा है तू, हजारों लोग तेरे आगे पीछे घूमते हैं, उन्हें भी तो हैंडल करता है ना, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले ना, तो टेढ़ी कर ले। आगे तू सोच क्या करना है। सोच लिया चाचा जी, मुझे क्या करना है। क्या करूं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। कैसे भी मुझे प्रिशा से मिलना है। प्रिशा से मिलना है? माँ हूँ मैं तेरी, सब समझती हूँ। मुझसे छुपाएगा? बोल, यही सोचा था ना? हाँ माँ, मुझे मिलना है उससे। इतने कम वक्त में कितना कुछ हो गया है, प्रिशा के साथ कुछ ज्यादा ही। मैं तो यही कहूंगी, उसे थोड़ा वक्त दो बेटा। इतना आसान नहीं होगा उसके लिए कि तू उसे कहेगा और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे पास आ जाएगी। माँ मेरे पास आना है उसे, किसी अजनबी के पास नहीं। वो अरमान होगा उसके लिए अजनबी, मैं नहीं हूँ। मेरा रिश्ता बड़ा है उस अरमान का। तू ही अलग हुआ था ना उससे, तभी तो मैं डर रहा हूँ माँ। किस्मत ने दोबारा मिलाया है हमें, मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहता। आप तो मेरी बात समझो प्लीज। बेटा मैं सब समझती हूँ, लेकिन तुम। हेलो, ठीक है तुम कुछ मत करो, मैं आ रहा हूँ। ओके, होटल जाना पड़ेगा। कुछ दिन अपने काम पर फोकस करो। लेकिन मैं प्रिशा से मिलूंगा, वो भी आज, और उसको बताऊंगा कि उसको मेरे पास आना ही पड़ेगा बस। फिर वही बात, मैंने कहा ना वो अरमान की पत्नी है, उसे अन्वी के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा, तुझे उसे वक्त देना ही पड़ेगा बेटा। और इस वक्त में और कंफ्यूज हो गई तो माँ, ये वक्त ही क्रूशियल, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और उसको अन्वी को संभालना है, ठीक है वो मेरे साथ रह के भी अन्वी को संभाल सकती है, मुझे अन्वी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सरमान से प्रॉब्लम है। ऋषभ को उसको छोड़ना पड़ेगा और मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। ऋषभ, तुम्हें बताया था ना शिमला में एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है जो मैं काफी टाइम से बाय करना चाह रहा था। नहीं बताया तो नहीं था। अरे बताया था, तुम भूल रही हो। एनीवेज फाइनली उसकी डील हो गई है और वो मैंने तुम्हारे नाम पे लिया, तो हमें आज ही शिमला जाना पड़ेगा पेपर साइन करने। तो तुम पेपर्स यहां मंगवा लो ना। एक्चुअली उसके ओनर्स जो है ना अब्रॉड रहते हैं, तो वो एक ही दिन के लिए शिमला आए हैं, तो हमें वहीं जाना पड़ेगा आज ही, इनफैक्ट अभी। ठीक है, मैं अनवी को रेडी करती हूं। अनवी को? हां, वो हमारे साथ चलेगी ना? नहीं नहीं, वो नहीं जा पाएगी। आई मीन बाय रोड जाना है ना, लंबा रास्ता है, वो परेशान हो जाएगी, और तुम तो जानती हो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, फॉरन इन्फेक्शन कैच कर लेगी, तो उसे यहीं रहने देते। अरमान लेकिन वो अकेले कैसे रहेगी? वैसे भी पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है वो मेरे बिना नहीं रहेगी, बहुत डर गई है। आई नो, पर जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी निकलते हैं, फटाफट काम करेंगे और जल्दी आ जाएंगे, रात तक पहुँच जाएंगे। या फाइन, बट तुम इतनी टेंशन मत लो, आई मीन चाचा जी नैनी सब हैं उसके पास। बिल्कुल सही कहा बेटा, सही कहा अरमान ने, मैं तो हूँ ना यहाँ पे, मैं और अनवी मिलके पिज्जा पार्टी करेंगे, तुम दोनों जाओ बिना किसी टेंशन के। देखा, प्रॉब्लम सॉल्व, और तुम जाके रेडी हो जाओ, मैं अरेंजमेंट्स कराता हूँ बाकी। प्लान क्या है? वही जो आपने कहा था, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे प्रिशा और मैं अकेले। पर कैसे? सफर में सारा टाइम तो आने जाने में निकल जाएगा। उंगली टेढ़ी कर ली है चाचा जी, ऐसा नहीं होगा, हम आज रात वापस नहीं आएंगे। पर ये बात प्रिशा को नहीं बताइए, वरना हो जाएगी नहीं। वाह मेरे शेर, ये हुई ना बात, अब बना तू मेरा असली भतीजा।
और याद रहे ये वहां जाके मत भूल जाना, वहां भी ऐसे ही करना, एंड डोंट वरी सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट।